क्वेश्चन नंबर 44 में पहले बात कर लेते हैं, देख क्या रखा है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, बस कैलकुलेशन करनी है। अपने को एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और दो पॉइंट दे रखे हैं क्यू और आर, जिनसे पास होने वाली लाइन प्लेन को किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। और साथ में ही इसी लाइन पर अगर टी से अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उस पॉइंट को बोल दिया गया है एस, और इन दी एंड पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ पी एस। तो क्लियरली काम छोटा सा है, पी का पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एस पॉइंट निकालना है, दोनों पॉइंट आ जाएंगे, डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर अप्रोच की बात करें, पी कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे 3D में और इसके साथ सॉल्व करेंगे, पी मिल गया। एक किसी भी लाइन पर पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सीधे सीधे एस मिल जाएगा और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब बात कर लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो क्लियरली इक्वेशन ऑफ क्यू आर की अगर अपन बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ए वुड बी लेट्स से 2 माइनस 1 सो 1, वाई माइनस वाई 1 वाई माइनस 3 अपॉन 3 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी 4, जेड माइनस जेड 1 5 अपॉन ए सी 5 माइनस 4 दैट इज 1। मान लेते हैं किसी वैल्यू लैम्डा पैरामीटर के इक्वल, तो पी पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट 2 प्लस लैम्डा कॉमा 3 प्लस 4 लैम्डा कॉमा 5 प्लस लैम्डा। अब ये तो P पॉइंट है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट। अगर ये प्लेन पर भी लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अपन प्लेन में सेटिस्फाई करा दें, तो बिकॉज P लाइज ऑन प्लेन, तो इसको जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह ये वैल्यू, y की जगह ये वैल्यू, z की जगह ये वैल्यू, सो 5 टाइम्स 2 प्लस लैम्डा माइनस 4 टाइम्स 3 प्लस 4 लैम्डा माइनस टाइम्स 5 प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहां से अपने को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करते ही लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू माइनस 2/3। लैम्डा मिल गया तो वापस से हमको इस यहां पर सब्स्टिट्यूट करते ही पॉइंट पी मिल जाएगा, हेंस पॉइंट पी कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2 माइनस 2/3 यानी कि 2 माइनस 2/3, 3 माइनस 8/3 एंड 5 माइनस 2/3। तो यानी कि पी पॉइंट अपने को मिल गया 4/3, 1/3 एंड 9/13/3। तो ये तो अपने पास पी पॉइंट आ गया। अब सिर्फ निकालने के लिए क्या बच गया, पॉइंट नंबर एस, वो कैसे निकाल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं फॉर पॉइंट एस लेट अल्फा बी द पैरामीटर, तो ऐसे में पॉइंट एस क्या बन जाएगा, लैम्डा की जगह बस अल्फा लिख देंगे, सो पॉइंट एस पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएगा अपने पास 2 प्लस अल्फा 3 प्लस 4 अल्फा 5 प्लस अल्फा। और यहां से अगर अपन टी एस वैक्टर निकालें, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, टी एस वैक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो टी एस वैक्टर हो जाएगा इन दोनों के पोजिशन वैक्टर्स का डिफरेंस। सो 2 प्लस अल्फा माइनस 2 वुड बी अल्फा आई कैप, प्लस 3 प्लस 4 अल्फा माइनस 1 वुड बी 2 प्लस 4 अल्फा जे कैप, एंड 5 प्लस अल्फा माइनस 4 वुड बी 1 प्लस अल्फा। Now clearly TS vector because perpendicular है, so dot product with this line direction ratios, इस line की direction ratios क्या है, I cap 4 J cap plus K cap, this should be equal to 0। इस vector का जैसे इसे dot product 0 करेंगे, सिर्फ एक parameter है alpha, alpha की value आते ही वापस यहाँ substitute करेंगे, so here alpha comes out to be equals to minus half, और जैसे ही alpha की value वापस point S में substitute करी, so point S अपने को मिल जाता है 3/2, 1, 9/2। अब ध्यान से देखें, अपने पास पॉइंट P है और पॉइंट S भी है, सिर्फ PS की डिस्टेंस पूछी है, तो सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एंड डिस्टेंस PS कम्स आउट टू बी 1/√2 विच इज ऑप्शन नंबर A इन दिस केस, हेंस आंसर वुड बी A।